भाई सबको थोड़ा जल्दी जल्दी आए, टाइम से आया करें सब। चेष्टा, देव, जिज्ञासा, खुशबू, प्रवीण, रूबी, मतलब अदिति, पार्थक, रूबी आई थिंक अदिति है, सुजल, वंशिका, विवेक। अदिति आप यहीं पे हो कि गायब हो गई हो? यस सर। होप सो। पिछली बार आप क्लास लगा के गायब हो गई थी, मैंने 10 बार आपका नाम लिया होगा बट आप गायब थी, नो रिस्पॉन्स। चलो कोई बात नहीं, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे ढेर सारा और आगे भी पढ़ेंगे। सबसे पहले आगे पढ़ेंगे और कल का जो क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो गैमेटोजेनेसिस, हमारे पास जो क्वेश्चन अवेलेबल है गैमेटोजेनेसिस और उसका किसका मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो उसको ज्यादा ही अच्छे से करना है। चलो शुरू करें, रेडी? बाकी लोग जब आएंगे तब देखा जाएगा। और टेस्ट के लिए कब दे रहे हो तुम लोग ये तो बता दो। बुधवार को था लेकिन ये चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ, और ऊपर से सबसे बड़ा दिक्कत है कि आप लोग भी कुछ बोले नहीं। सर जब खत्म हो उसके 1-2 दिन बाद ले लो। ठीक है, तो मंडे को डन है, ठीक है, खत्म। ये तो खत्म तो हो जाएगा अभी, मतलब कल हो जाएगा। आज हम लोग देखेंगे, मंडे को डन है। प्रवीण, ये सूरज भी गायब है, चंदन भी गायब है, दोनों मार खाएंगे। प्रवीण यस कहाँ है ये सर। तुम्हारे दोस्त? सर गायब हुआ है, बोले नहीं पढ़ना, फिर से पढ़ेंगे। सर सर अच्छा स्टडी कर रहे हैं, कह रहे स्कूल की क्लास बेकार होती है, हम खुद ही कर लेंगे। सर स्टडी कर रहे हैं सर सब। चलो कोई बात नहीं, क्या ही बोल सकते हैं आप, जैसा भी इच्छा है। हम लोग क्वेश्चन सर हम करते आपसे हैं पढ़ेंगे और सर, क्या? अरे सर हम आपसे पढ़ेंगे, हम किसी को नहीं जानते सर। ऐसा नहीं है, सबसे पढ़ना होता है। अरे लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा था कहाँ गए सब, अभी मैं बात करता हूँ सूरज और इनसे, सूरज चंदन से, फिर बोलेंगे कि बताया नहीं गया। चलो कोई बात नहीं, मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि जो मंडे को टेस्ट होगा आपका, तो उसमें शामिल होना सभी को। मैं तो बोलूंगा सभी आओ, अब वो बात की बात है, आधे लोग नहीं आते हैं तो क्या ही कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले जो हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कल पढ़े थे, क्योंकि विदाउट क्वेश्चनिंग वो दो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई छोड़ के नहीं जाएगा और सब एक्टिवली क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 68 से, गैमेटोजेनेसिस से क्वेश्चन से पूरा, और यहीं से सब कुछ रिकॉल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आगे हमारे पास ज्यादा कुछ बचा नहीं है, इम्प्लांटेशन है और आगे, सॉरी, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। उसके बाद हमारे पास पोस्ट चेंजेज है, यानी बेबी के अंदर होने वाले पोस्ट चेंजेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सर सिक्सटी ए एट ऑप्शन, ए ऑप्शन। एक्सट्रूशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम, देखो 2019 का क्वेश्चन है नीट का, एक्सट्रूशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर्स सेकेंड, वेरी गुड, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो वहां पे क्या हो गया हमारे पास, कल मैंने बताया था कि हमारे पास तब जाके हमारे पास एक्चुअल में ओबम बनता है। एक्चुअल में ओबम कब बनेगा या ओटिट कब बनता है, जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन तुरंत होने से जस्ट पहले जब वॉल ब्रेक होता है तब। क्वेश्चन नंबर 69, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के ढेर सारे क्वेश्चन है, ढेर सारे, थोड़े बहुत नहीं बहुत सारे। ये देखो प्रवीण मार खाएगा, चंदन। क्वेश्चन नंबर 69, जल्दी बताओ। रेफर टू द गिवन फीचर शोइंग डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ ओवरी, द इन सर्कल पार्ट ऑफ फिगर इज शोइंग ए प्रोसेस ऑफ ओजेनेसिस, आइडेंटिफाई इट इज एज वेल एज द फॉलिकल विच इज इन्वॉल्व सी इन दिस ऑप्शन, सी प्रोसेस। ऑप्शन, सी सी ऑप्शन, ऑप्शन, सी वेरी ऑप्शन। गुड। कौन सा प्रोसेस है, ओवुलेशन का और ग्राफियन फॉलिकल, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 70, अच्छा क्वेश्चन है, सरसन रीजन, ध्यान से पढ़ना। चंदन आ गए, देखो तुम्हारा, तुम आया तो तुम्हारा दोस्त गायब हो गया, प्रवीण गायब हो गया, ये विवेक का दोस्त, इसके लिए विवेक को सजा ए मिलेगी। ऑप्शन सर, ए ऑप्शन, अरे ए ऑप्शन। ठीक है, और कोई, आदित्य, सोनाली, सभी को लिखना है, देव। देखो यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, सही है। देर इज ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एट प्यूबर्टी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 71, ओजेनेसिस पढ़ लिया, आगे चलें। रीजन यस सर। ये है, सर डी ऑप्शन, सर डी।
डी। प्रवीण छोड़ छोड़ के जा रहे हो, बहुत मार खाओगे, नेट नहीं चल रहा था क्या? यस सर। ओहो बड़ा दिक्कत है नेटवर्क का, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर चलो ये करो, कौन सा था? 71 था, 71 का डी। किसका किसका क्वेश्चन डी है? डी इज द राइट। मिलियंस ऑफ यूगोनिया आर फॉर्मड विद इन ईच ओवरी एवरी मंथ, नहीं पहले एक ही बार बन जाता है। इनिशिएटेड एट द प्यूबर्टी, नहीं चलो वेरी गुड क्वेश्चन। हम अब यहाँ से देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्वेश्चन है, ये ध्यान से सभी लोग करना क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। हाँ देव बताओ, मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑप्शन द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स इज कॉल्ड। एस्ट्रस साइकिल किसमें बोलते हैं? कैट्स में। कैट्स को उसमें। प्राइमेट्स, प्राइमेट्स के अलावा जो हमारे पास जिनके अंदर देखते हैं वो क्या होता है हमारे पास? दैट इज एस्ट्रस साइकिल। वेरी गुड। 73 का क्या हो गया हमारे पास? दैट इज ए। 74, हाँ देव तुमने हैंड रेज किया, बताओगे क्यों भाई क्या हुआ? देव बोलो बोलो। सर वो हैंड डाउन करना भूल गया 71 क्वेश्चन वाला अच्छा का। 74, बी ऑप्शन, मीनार्स डेट बिगिंस एट प्यूबर्टी एज। बी ऑप्शन सर, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। 74, 74 का क्या है? बी फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 75, मेंस्ट्रुअल साइकिल द साइकिल ऑफ सर, इवेंट दैट स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ टिल द नेक्स्ट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकल। किसी को कोई डाउट? वेरी गुड, ये सब इजी इजी क्वेश्चन है, कुछ अच्छा सा नो क्वेश्चन सर, नहीं मिल रहा। द मेंस्ट्रुअल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकल लास्ट फॉर, डी ऑप्शन सर, थ्री टू डी फाइव डेज। मेंस्ट्रुअल साइकल लास्ट, मेंस्ट्रुअल फेज कल भी बताया था हमारे पास, 3 to 5 days। याद आ रहा है ग्राफ ऐसे वाला जो नीचे की तरफ था? दैट इज 76 का डी। वेरी डी गुड। 77, मेंस्ट्रुअल साइकिल रिजल्ट्स ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम सर, डी लाइनिंग, ऑप्शन ब्लड वेसल्स, मायोमेट्रियल लाइनिंग, बोथ एंड बी। तो कभी भी जल्दीबाजी नहीं करना था, कौन थे? डी इज द राइट आंसर। ब्लड वेसल्स भी रप्चर्स होती हैं उसमें पाए जाने वाला, मायोमेट्रियम नहीं होता है। तो जो जल्दीबाजी में लगाया वो गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 78, मेंस्ट्रुअल अकर ओनली इफ, फटाफट क्योंकि पढ़ना भी है वाला, जल्दी 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 जल्दी, बिग क्विक, बहुत इजी सर, क्वेश्चन है। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन 79 का सी, द लाइक ऑफ मेंस्ट्रुअल मे बी 78, ड्यू टू प्रेगनेंसी 78, स्ट्रेस पुअर हेल्थ। 78 सर, 70, अच्छा 78, मेंस्ट्रुअल 78 ओनली, चलो 78, 78 छूट गया था, 78 का सी है, मेंस्ट्रुअल ओनली अकर्स इफ द रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज। ठीक है इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो नहीं होगा, द रिलीज ओवम इज फर्टिलाइज, सी। क्वेश्चन नंबर 79 का डी सभी को क्लियर है, बहुत इजी है। तो यस सर, क्वेश्चन नंबर 80 फटाफट, ए 10 सेकंड में ऑप्शन, क्वेश्चन ए करना है। ऑप्शन, और सी का ए बोली है, 80 का ए, द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज, क्या दिस इज राइट? कल मैंने सीक्वेंस बताया था कि सीक्वेंस से क्वेश्चंस आता है। वेरी गुड। ऑप्शन ए, व्हाट चेंजेस अकर ओवरी और यूट्रस ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या चेंज होते हैं? फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 81, मैंने इसीलिए कल एक साथ दो दो चीज पढ़ाया था, 81 का बोथ ए एंड सी। ऑप्शन डी इज डी राइट, ऑप्शन, फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल और यहाँ पे रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, दोनों एक साथ साथ हो रहा था। ग्राफ याद रखो, याद है सभी को? इसके अलावा जो कुछ बोला होगा सबका गलत है, लाइक दिस, और यहाँ से ऐसे बढ़ रहा था। इसी दौरान ये भी हमारे पास क्या ग्राफियन फॉलिकल में बन रहा था 14 डे तक, तो ये भी, इसका भी बढ़ना, इसका भी बढ़ना, तो ऑप्शन डी इज द राइट। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 82, द चेंजेस इन द ओवी एंड यूट्रस ड्यूरिंग प्रोलिफेरेटिव फेज आर इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन द लेवल्स ऑफ, किस हार्मोन की वजह से होता है? जल्दी बताओ। डी ऑप्शन, 82 का हमारे पास क्या है? पिट्यूटरी हार्मोन एंड ओवेरियर हार्मोन, पिनियल हार्मोन। वेरी गुड, ऑप्शन डी इज द राइट। पिट्यूटरी हार्मोन का भी खेल होता है बालक, और ओवरी भी सिक्रेट करता है हार्मोन्स, भूल गए क्या? कल ही बताया था, कौन था ये वाला? जल्दी नाम बताओ क्या? पिट्यूटरी का कौन सा वाला सर, पिट्यूटरी का सब करते हैं ना हमारे पास, देखो हमारे मतलब पास नहीं FSH और LH दोनों होते हैं, क्लियर? द चेंजेस इन द ओवरी एंड यूट्रस ड्यूरिंग द प्रोलीफेरेटिव फेज, कहाँ पे? प्रोलीफेरेटिव फेज में हमारे पास दोनों ये कंटिन्यूअस बढ़ते रहते हैं, और यहाँ पे ओवेरियन हार्मोन भी काम करते हैं। तो ऑप्शन ए एंड बी बोथ, ठीक है प्रवीण?
हाँ तुम कोई हैंड रेज किया था, कहाँ गया विवेक? सर ओवेरियन हार्मोन का नहीं पता था। सही ओहो, ओवम जो सीक्रेट करता है बाला, सही कल बताया था, कल तुम्हारा बिल्कुल क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं था। चंदन बताएगा ओवेरियन हार्मोन, ओवरी कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है, बताओ जल्दी चंदन। कल मैंने एग्जांपल भी सर, बताया था कौन किसको काम करता है। ओवरी सीक्रेट ओवेरियन करता है हार्मोन एस्ट्रोजन, मेरे पास। एस्ट्रोजन प्राइमरली ओवरी सीक्रेट कर क्या करता है, एस्ट्रोजन, और कुछ अमाउंट में प्रोजेस्ट्रॉन भी करता है, बट प्राइमरली कौन सीक्रेट करता है, एस्ट्रोजन। और प्रोजेस्ट्रॉन कौन करता है, जब कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है। ओवरी दोनों टाइप का हार्मोन सीक्रेट करता है एस्ट्रोजन, कल भी बताया था। यही एस्ट्रोजन इंड्यूस करता है किसको, पिट्यूटरी को, कि चलो भाई तुम वहां से FSH और LH निकालो। कल बताया था कहानी, याद आ रहा है कि इंड्यूस करता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, कौन सा, एंटीरियर पिट्यूटरी को, कौन करता है, एस्ट्रोजन। तो यहाँ पे दोनों चीज में कौन काम करता है, पिट्यूटरी हार्मोन भी और ओवेरियन हार्मोन भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 83। इन द ओवरी ऑफ हेल्दी ह्यूमन फीमेल मेच्योर बी ग्राफियन ऑप्शन, फॉलिकल इज जनरली, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन बी है, ऑप्शन, बी 83। ठीक है, 83 का बी फॉर बॉल, 11 to 17 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कहाँ गया मैं, पेन क्यों नहीं चल रहा मेरा, ले चार्ज खत्म हो गया हो क्या? अरे ले लिए, पेन ही नहीं चल रहा। हाँ चलो, नेक्स्ट क्या हो गया हमारे पास, ऑप्शन बी, क्या मैच्योर ग्राफिन कब होता है हमारे पास, 11 to 17 डेज, और एवोल्यूशन कब होता है, कोई बताएगा, 14 फोर्टीन्थ डेज डे होता पे। वेरी गुड। अभी जब हम लोग पूरा पढ़ लिए थे, एक चीज मैं आपको बताऊंगा जब क्लास शुरू करेंगे, जिसको क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं फिर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 84, ड्यूरिंग द प्रोलिफेरेटिव फेज द ग्रोइंग जी। फॉलिकल सीक्रेट, सर क्या जी, सीक्रेट करते हैं? एस्ट्रोजन, देखो यहाँ पे अगर ऑप्शन में हमारे पास क्या प्रोजेस्टेरोन रहता तो भी हो जाता ड्यूरिंग द प्रोलिफेरेटिव, लेकिन वो कब होता है, जब वो ल्यूटियल में कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी ल्यूटियल, कॉर्पस ल्यूटियल में कन्वर्ट हो जाता है, तब प्रोजेस्टेरोन। यहाँ पे ड्यूरिंग प्रोलिफेरेटिव फेज पूछा है, तो ग्रोइंग फॉलिकल सीक्रेट क्या करता है हमारे पास, एस्ट्रोजन। वेरी गुड, 84 का डी। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। क्वेश्चन नंबर 85, रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट इन द ABC। अच्छा ABC को करना है, चलो हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ गया। ABC क्या है, ये कल वही वाला ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ करके। 85 है ये, कब क्या होगा बालक? ए ऑप्शन, हाँ सर, बी ऑप्शन, ए वाले कौन कौन से हैं हैंड रेज करो, और बी वाले कौन कौन से, वो भी हैंड रेज करो। ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड रूबी, मतलब सॉरी अदिति। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ए क्या होता है, हमारे पास ए और बी, ये दोनों के दोनों क्या होंगे हमारे पास, गोनेडोट्रोपिन्स, यानी कि गोनेडोट्रोपिन्स क्या होते हैं, दोनों के दोनों इंक्रीज होंगे एस्ट्रोजन की वजह से। पिट्यूटरी काम करेगा वहां से ए और बी से, अल्टीमेटली LH और FSH क्या होगा लिख लेगा, और LH ये दोनों किस पे काम करेंगे, ग्रोइंग फॉलिकल्स पे काम करेंगे, और अल्टीमेटली ग्रोइंग फॉलिकल क्या सिक्रेट कर देता है, एस्ट्रोजन। ग्रोइंग फॉलिकल क्या सिक्रेट करता है, एस्ट्रोजन। अगर किसको डाउट था तो कभी भी TSH यहाँ से कोई मतलब नहीं है, टेस्टोस्टेरोन यहाँ से कोई मतलब नहीं है, बचा हमारे पास एस्ट्रोजन, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, इंक्रीज होता है, और ये क्या होता है हमारे पास, एस्ट्रोजन। डाउट, हाँ किसको किसको, चलो वेरी गुड, सर ऑप्शन ए इज द राइट। किसी को कोई डाउट? सर वो ग्राफ में लिखने से FSH का अमाउंट तो डिक्रीज होता है ना सर, वही तो किसमें कब? ग्राफ में सर। अरे प्रोलीफेरेटिव फेज में देखोगे कि दोनों एप्रोक्स पैरेलल पैरेलल चलता रहता है। कल का क्लास कहाँ गया, रुको मैं दिखाऊं तुम्हें कल का क्लास ना, लिविंग वर्ल्ड यही था शायद। हाँ ये अप्रोक्स देखो, प्रोलिफरेटिव फेज क्या होता है हमारे पास, ये फॉलो करो, ये वाला फेज होता है, इसमें ऐसा कोई डिक्रीजिंग का चांस नहीं होता, ये जनरली क्या होता है हमारे पास कंटिन्यूअस धीरे धीरे इंक्रीज ही होता है। दिख रहा है दोनों लाइन बालक,
सर जो कहाँ गए आपने तुम? ग्रीन वाले सर बनाया है सर वो तो LH है सर, और जो ब्लू वाली लाइन है सर वो एस्ट्रोजन सॉरी सर FSH है सर, वो तो डिक्रीज हो रहा है ना हाँ, सर धीरे धीरे। अरे इनिशियल फेज की बात नहीं कर रहा, ये जो हमारे पास ये यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है ना, लेकिन मैं प्रोलिफरेटिव की बात कर रहा हूँ बालक। FSH और LH धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, और उसका पीक आता है। पीक किसका आता है? LH का, और इसका भी पीक आता है FSH का। इसकी बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब मैं नोट पे काट फूट कर दिया यार, चलो कोई बात नहीं, मैं अभी कुछ और कर लेता हूँ। हाँ देखो, ये वाला देखो, इसमें थोड़ी ना डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग हो रहा है, इन दोनों में मैं जूम कर दे रहा हूँ। ये देखो, ये हमारे पास क्या था? LH था, याद आ रहा है सभी को? क्लियर है? और ये क्या था हमारे पास? FSH। ये दोनों प्रोलिफरेटिव फेज की बात कर रहा है। इसके पहले हमारे पास कौन सा? मेंसेस वाला फेज था। मेंसेस की बात नहीं कर रहे वाला। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है? दोनों धीरे धीरे इंक्रीज होता है। जो एग्जैक्ट ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे बनता है कुछ, और अल्टीमेटली ऐसे बनता है। उसी तरह हमारे पास ये भी कैसे बनेगा? अल्टीमेटली ऐसे बनता है। तो इंक्रीज ही तो हो रहा है, इसमें क्या दिक्कत है किसी को? आगे चलें, अपने टॉपिक पे आ जाएं। आदित्य, समझ में आ गया? यस सर। चलो, इसीलिए कल बताया था। चलो आ जाओ नेक्स्ट हमारे पास, किसी को डाउट होगा तुरंत पूछना। क्वेश्चन नंबर 86। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि उसको आ रहा है मेरे को नहीं आ रहा है, सब छोटी छोटी बातें हैं सब। क्वेश्चन नंबर 86, जल्दी करो। सी ऑप्शन 86 पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल ऐसे रटना है कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। 86 का क्या क्या बोल रहे? कोड नीचे दिया है, कोड नीचे दिया है बालक। तीनों का नाम मैंने कल ही सी बताया था। सेक्रेटरी फेज को क्या बोलते हैं? ल्यूटियल फेज ल्यूटियल फेस। ठीक है, सेक्रेटरी फेज को क्या बोलते हैं? ल्यूटियल फेज। बी का तीसरा, बी का तीसरा। किसमें किसमें? इसमें इसमें। कौन ये वाला? कौन था? कौन था ये वाला? बहुत मार खाएगा। मेंस्ट्रुअल क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन क्या होता है हमारे पास? ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। ब्रेकिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। सी का पहला, सी का पहला। बच्चा ही कह रहे हैं, ऑप्शन सी इज द राइट। कौन गलत कर दिया बालक? ऐसा मत करो तुम लोग। बी कौन बोल रहा? देव। अरे देव पूरा भी करना होता है, और कल ही मैं बताया था, फिर वही बात। मार खाओगे ऐसे? कल ही मैं तीनों का नाम लिखा हूँ यहाँ पे, नोट्स पढ़ना भी होता है। फॉलिकुलर फेज को प्रोलिफरेटिव फेज, ल्यूटियल फेज को सिक्रेटरी फेज। लिखने के बावजूद कल मैंने ये भी बताया था क्यों बोलते हैं आखिर, ल्यूटियल फेज को सिक्रेटरी फेज क्यों बोलते हैं, ये सब बताया था कल। नहीं पता है, रिकॉर्डिंग सुनो, नोट्स भी पढ़ लिया करो। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास 87। मेंस्ट्रुअल पूरा खत्म करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे, कोई बात नहीं देव, होता रहता, अच्छी बात है आपने बताया, अटेम्प्ट किया। सर 14 बी ऑप्शन। डी ऑप्शन 14 एलिजेंट ने मिड फेसेज अटेन ए पीक लेवल ऑफ ए डे ऑफ साइकिल, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए। वेरी गुड। किसी को कोई डाउट है इसमें? अभी मैंने डायग्राम में समझाया था चंदन, 14th डे। सर थोड़ा जूम करके, इतना लो अब देखो, इससे अधिक जूम करूंगा तो कट जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, सर रीड द बाकी दो फॉलोइंग ऑप्शन है क्या? स्टेटमेंट अबाउट। अरे होंगे नीचे, रुक जाओ। 88, 88, 88। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलएच सर ए की बात किया, ऑप्शन, ध्यान से समझना। ए सी ऑप्शन, ऑप्शन, सी सी ओके। और कोई? कोई सी है, कोई डी है, प्रवीण सी है। ठीक ए ऑप्शन सर, सी इनकरेक्ट पूछा है। है, इनकरेक्ट पूछा हमारे पास। एल एस आर जी रैपिड सिक्रेशन ऑफ ल्यूटियल हार्मोन, ठीक है। इट अकर्स इन द मिड ऑफ द साइकिल, ये भी सही है, 14 28। नेक्स्ट हमारे पास, एल एस आर जी इंड्यूस डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, बिल्कुल नहीं करता है। इट कॉज एवोल्यूशन, ऑप्शन सी इज द राइट। कौन था ए और डी भाई? कैसे कैसे काम कर रहे हो तुम लोग? इनकरेक्ट पूछा है बालक। थोड़ा कम से चलो ऑप्शन सी इज द राइट। वेरी गुड प्रवीण, सबसे पहले प्रवीण ने बताया था। क्लैप फॉर सर, ये नहीं आदित्य होगा इसका। हाँ लखवाल। अरे बालक इनकरेक्ट पूछा है। तो इनकरेक्ट ही तो बता रहा हूँ ये। एलएच सर जी रैपिड सिक्रेशन ऑफ ल्यूटियल हार्मोन, एलएच को क्या बोलते हैं? ल्यूटियल हार्मोन ही तो बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो गलत कहां से हो गया? अरे नहीं समझ में आया? किसी नहीं आ गया, आ गया ठीक है। को डाउट तो नहीं है अब? चलो पक्का झूठ मत बोलना। क्वेश्चन नंबर 89,
क्योंकि अभी अभी जो भी दिक्कत है पूछ ले, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। सी द रिलीज ऑफ ओवम अकर्स ड्यूरिंग द फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसको करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 90। डी ऑप्शन, आई की फेज है डी। द ओवुलेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज फॉलोड बाय, ऐसा मत करो बालके ल्यूटियल, डी कैसे कर सकते हो आप, डी कैसे होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवुलेटरी फेज के बाद कौन सा साइकिल आता है? ल्यूटियल फेज आता है, ल्यूटियल। ये कभी डायग्राम मत भूलो, ऐसे घटता है फिर ऐसे ऐसे बढ़ता है फिर जाके ऐसे वापस से घट जाता है, और बीच में क्या आता है हमारे पास, दैट इज ओवुलेटरी डे, इसके बाद ल्यूटियल डे, इसके बाद प्रोलिफेरेटिव है और ये मेंसेस है। तो क्या पूछा है, ओवुलेटरी फेज के बाद क्या आता है ल्यूटियल, क्या अभी कितने क्वेश्चन है सर? बस थोड़ा सा है, क्वेश्चन नंबर 91, क्योंकि देखो इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे इसलिए मैं करा रहा हूँ, अदरवाइज नहीं कराता, बिल्कुल भी भूलना नहीं किसी को। क्वेश्चन नंबर 91 और आएगा इस बार, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 91 ए ऑप्शन, नो न्यू फॉलिकल्स, देखो मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा बोरियत आ रहा होगी, बट बोरियत मत लाओ, क्वेश्चन करो। नो न्यू फॉलिकल्स डेवलप इन द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज, क्वेश्चन नंबर 91 का ए, बोथ एफएसएच एंड एलएच लेवल्स आर लो इन द ल्यूटियल फेज, ठीक है, किसका किसका ए है, सभी का है। क्वेश्चन नंबर 92, बस खत्म होने वाला बालक, ध्यान से करो, थोड़ा सा टाइम लो। आदित्य लखीवाल बी सर, बी ऑप्शन। चलो बी बी, और कोई, फॉलिकुलर फेज कब आता है हमारे पास, ओवुलेटरी फेज कब आता है हमारे पास, बी का तीसरा, बी का तीसरा एलएच सर क्लियर, ल्यूटियल फेज कब होता है तो क्या हो गया, ल्यूटियल फेज में हमारे पास सबसे ज्यादा क्या सीक्रेट होता है, प्रोजेस्टेरोन, क्या सीक्रेट होता है हमारे पास, प्रोजेस्टेरोन, कल ही बताया था, तो हो गया तीसरा और पहला, और किसी में है नहीं, ऑप्शन बी इज राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 93, बस ये लास्ट पेज है, इसके बाद क्वेश्चन खत्म, इसके बाद अपना टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग, किसी को जल्दीबाजी तो नहीं है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। क्वेश्चन नंबर 93 ऑप्शन डी की, बी डी बी बी फॉर बॉल, अच्छा अच्छा बी फॉर बॉल, ऐसे बोल दिया करो क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है। चलो ये इजी क्वेश्चन है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 94, सोचो इतना जल्दी इतने क्वेश्चन कर लिए तुम लोग, घर पे आप खुद से भी करते तो भी इतना जल्दी नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 94, खुशबू अदिति किसके लिए बोल रहे हो, 94 के लिए बोल रहे हो क्या, 9:40 टाइम क्या हो रहा है, 9:41 जल्दी बोलो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉर्पस ल्यूटम, चूज द करेक्ट वंस, करेक्ट वन को हमें चूज करना है, दूसरा एंड चौथा है, देखें, इट फॉर्म ड्यूरिंग द ओवुलेटरी फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, किसकी बात कर रहा है हमारे पास, अच्छा कॉर्पस ल्यूटम की बात कर रहा है, नहीं ओवुलेटरी फेज में नहीं बनता है, इट सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन, बिल्कुल सही है, नेक्स्ट इज इन द एब्सेंस ऑफ ओवुलेशन द कॉर्पस ल्यूटम डीजनरेट, इन द एब्सेंस ऑफ ओवुलेशन द कॉर्पस ल्यूटम डीजनरेट, नेक्स्ट हमारे पास द डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटम कॉजेस डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है ऑप्शन सी इज द करेक्ट, वेरी गुड। हाँ चंदन सर, ये 4 वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, हाँ करेक्ट ही तो बताना है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, दूसरा वन वाला कैसे होगा, इट इज फॉर्म ड्यूरिंग द ल्यूटी, कब बनता है हमारे पास कॉर्पस ल्यूटम, कब बनता है, ल्यूटियल फेज में बनता है, इवोल्यूशन में तो सिर्फ इवोल्यूशन होता है ना, ये गलत हो गया, ठीक इट सीक्रेट लार्ज अमाउंट प्रोजेस्टेरोन, ये सही है, कल बताया था, कल आप क्लास में नहीं थे क्या, इन द एब्सेंस ऑफ इवोल्यूशन द कॉर्पस ल्यूटम डीजनरेट, हमारे पास ये भी क्या हो गया गलत। क्वेश्चन नंबर 95,
मेनोपॉज़ इन द ह्यूमन बीइंग परमानेंट सेसेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड। अच्छा इसका एज कितना होता है कोई बताएगा? 50 इयर्स के अराउंड से 40 से 55। वेरी गुड, वेरी करता है फीमेल टू फीमेल। तो मैंने लिख दिया जनरल एक टर्म 40 से 55 के बीच में, ठीक है प्रवीण 50 भी सही है, 40 से 55 के बीच में। एक्सेप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, बहुत लोग 70 में भी हो जाते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 96-97 इस डायग्राम के बेसिस पे करना है, तो डायग्राम देख लो, मैं जूम कर दे रहा हूँ। हाँ कर दिया। पहले डायग्राम दिख रहा है सभी को? द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ विच हार्मोन स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन सी, देख लो सर। ए ऑप्शन 96 का 96 सही से करो, ऑप्शन यहाँ पे नीचे भी है, पहले डिसाइड कर लेते हैं। अब करो, चंदन बताएगा, अभी समझाया था और इस बार गलत हुआ बहुत मार खाएगा। विवेक डी, आदित्य डी, प्रवीण और सिर्फ डी, देव डी वाले कौन से हैं? देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, पढ़ो। द फिगर शोइंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल एबीसीडी लेवल्स ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स, दोनों की बात कर रहा है, पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन की बात कर रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन है 96, द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ विच हार्मोन स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन सी। हार्मोन सी क्या था पहली बात तो ये बताओ, कौन बताना चाहेगा? अदिति, हार्मोन सी क्या था? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन वेरी गुड, क्योंकि एस्ट्रोजन क्या क्या मैंने बोला था, दो पीक आते हैं, वेरी गुड। ये क्या था? एस्ट्रोजन। द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ विच हार्मोन स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन सी, एस्ट्रोजन हो गया। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन कौन सा हार्मोन इंक्रीज करता है सी को, ठीक है, तो ए और बी। ए क्या था हमारे पास, ये क्या था FSH, LH, और ये क्या था LH, और हमें पता है कि FSH एंड LH अल्टीमेटली गोनेट्स पे काम करते हैं, और गोनेट्स को यानी गोनेट कौन हुआ, ओवरी और टेस्टिस, और ये दोनों को काम बोलते हैं, चलो भाई तुम निकालो एस्ट्रोजन। तो क्या हो गया यहाँ पे, क्या हो गया ऑप्शन, जल्दी बताओ अब क्या हुआ ऑप्शन डी। 11th के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि FSH, LH यानी दोनों दोनों क्या किस पे काम करता है, गोनेडोट मतलब किस पे। हाँ प्रवीण बताओ, बोलो बोलो सर। FSH कर रहा है इसको, थोड़ा जोर से बोलो आपका आवाज। हाँ बोलो बोलो सर, ईस्ट्रोजन तो सिर्फ FSH कर रहा है ना, वो तो सेकंड पिक पे दोनों करेंगे। हाँ हाँ सेकंड पिक पे करेंगे, यहाँ पे पिक वन और पिक टू की बात ही नहीं किया है, जस्ट यहाँ पे बोल रहा है ग्रेजुअल इंक्रीज। शुरुआत में हमारे पास एस्ट्रोजन कौन सिक्रेट करता है, ओवरी करता है। ये जब यहाँ पे जो पीक पाया जाता है वो पीक तो बाद की कहानी है, बट ये जो शुरुआत में एस्ट्रोजन कौन सिक्रेट करता है, ओवरी करता है, और ओवरी पे काम कौन करता है, दोनों काम करता है, LH और FSH दोनों करता है। शुरुआत की बात किया, किसी पर्टिकुलर पीक की बात नहीं किया। यहाँ पे मैंने ये नहीं पूछा कि ये वाला पीक क्यों आया या फिर ये वाला पीक क्यों आया, यहाँ पे एक जनरलाइज लाइन है कि ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ विच हार्मोन स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन सी। तो ये चीज क्या हो गया हमारे पास, बोथ ए एंड डी, जिसका जिसका डी है, वेरी गुड। देखो ऐसे क्वेश्चन टफर साइड के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा चीजों को समझना है, तभी मैं बोला था कि कोई भी हेजिटेट नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। क्वेश्चन नंबर 97 इसीलिए मैं करा रहा, नहीं तो मैं कराता नहीं क्लास में क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97 का ए है आदित्य, हर्षित, आदित्य अर्षी का जल्दी बताओ, तुम कब से तुम चुप चुप हो, एक है खुशबू वो भी चुप चुप है, सुजल सर डी जिया भी चुपचाप है, सही बात। डायग्राम कौन सा वाला, अच्छा अच्छा डायग्राम बोल गया क्या जी सर, बी ऑप्शन तो अलग है ना, पहले डायग्राम बैठ के आराम से, मैं मिटा दे रहा हूँ, डायग्राम में दिक्कत हो रहा है, मैं मिटा दे रहा हूँ। अब चलो 97 कौन सा है, 97 युवराज, वेरी गुड, सी सबसे हटके, बट क्या पता सही हो,
द रैपिड इंक्रीज ऑफ विच हार्मोन विल इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल. ग्रेफियन फॉलिकल का रप्चर एंड देयर बाय रिलीज ऑफ ओबम किस हार्मोन के रैपिड इंक्रीज से होता है? तो 97 का क्या होगा? ओवुलेशन. ओवुलेशन में क्या होता है हमारे पास? क्या दिया है सी में? बी एलएच सर्ज बताया था कल. तो ये क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए था बालक. कौन था ये डी ए पता नहीं क्या क्या क्लैप फॉर कौन सबसे पहले बताया था? युवराज. वेरी गुड युवराज. अच्छा उसके बाद उसके पहले प्रवीण ने बताया था क्या? अच्छा उसके बाद बताया. क्लैप फॉर युवराज. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बस खत्म होने वाला है. लास्ट विवेक टेंशन मत लो. क्वेश्चन नंबर 98 हो गया क्लैपिंग. अब युवराज को बहुत साफ से दे दिया. आ जाओ वापस. 98 ये बताएंगे अर्षिका और उसके बाद अदिति. और क्वेश्चन नंबर 99 कौन बताएगा पता है? खुशबू. जल्दी बताओ. इतना लेट. क्वेश्चन नंबर 98 इनकरेक्ट बताना है. नहीं सर डी ऑप्शन आपका डी है बच्चा. इनकरेक्ट बताना. इनकरेक्ट करेक्ट नहीं सर. ए ऑप्शन. हाँ 90 अदिति का बहुत ही स्ट्रॉन्ग आया है. ए ऑप्शन. सर डी ऑप्शन. सर ये थर्ड स्टेटमेंट थर्ड बता दो. पुअरली मोटाइल नॉन मोटाइल. जब स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूबुल सर प्योरली मोटाइल और नॉन मोटाइल. हमारे पास दोनों दिया है पुअरली मोटाइल और नॉन मोटाइल. ऐसा नहीं है सेमिनिफेरस ट्यूबुल से जब बाहर आ जाता है तो स्पर्म की वायबिलिटी अप्रोक्स सही होती है बट इसका जो ट्रेनिंग होता है वो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में आने के बाद होता है. समझ रहे हो? तो वहां से हमारे पास एप्रोक्स जब सेमिनल वेसिकल से निकल जाता है पूरा बाहर आ जाता है तो वहां पे स्पर्म के पास मोटिलिटी आ जाती है. ऐसा नहीं है कि नहीं आती. ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन. सॉरी यहाँ पे क्या है? इनकरेक्ट. प्रोजेस्टेरोन लेवल इज हाई ड्यूरिंग द पोस्ट ओवुलेटरी फेज. ये भी है सही है. देखो हमें बताना है इनकरेक्ट. हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ट्रिगर द ओवुलेटरी फेज. नहीं. एलएच ओगोनिल सेल स्टार प्रोलेटरी फंक्शन हुआ. ये सही है स्टेटमेंट. स्पर्म रिलीज ये है हमारे पास कैसा स्टेटमेंट है? स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस. नहीं ये भी गलत है. प्रोजेस्टेरोन लेवल इज हाई ड्यूरिंग द पोस्ट ओवुलेटरी फेज. बिल्कुल सही है. और आगे चल तक प्रेगनेंसी हो गया तो भी हमारे पास हाई मेंटेन करके रखता है. तो ये दोनों स्टेटमेंट सही थे. ये दोनों स्टेटमेंट गलत थे. तो हमारे पास पहला एंड तीसरा. वेरी गुड अदिति. सबसे पहले अदिति ने बनाया बताया था. अरे क्या हो गया? किसको डाउट हो गया? अब 98 का प्रवीण सोनाली चंदन युवराज क्लियर है सभी को? यस सर. पक्का? आगे चले. अरे यार इतना लंबा सा क्वेश्चन है क्या? बस चार क्वेश्चन और है. क्वेश्चन नंबर 99 सर बी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 99 का क्या बताया आप लोग? डी बी डी फॉर बॉल सर. D for dog. Sir, ball. It's a ball. Ball, sir, ball. B for ball.
ठीक है चलो 99 के बी सभी का सही है हमारे पास सेक्रेटरी फेज एसेशन रीजन। इस वाले में थोड़ा सा अभी वेट करना इस क्वेश्चन में हमारे पास, क्योंकि एपिडाइडेमिस यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, अगर सेमनिफेरस टिब्यूल के साथ लेंगे तो ये वाला भी स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाएगा, अरे सॉरी मतलब ये वाला भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा अगर सेमने, क्योंकि यहाँ पे एपिडाइडेमिस लिखा नहीं है, सेमनिफेरस से निकलता है और उसके बाद एपिडाइडेमिस तक जाता है और एपिडाइडेमिस में उसका मेचुरेशन होता है और वहां से मोटिलिटी उसको गेन हो जाती है, बट विग्रस मोटिलिटी नहीं आती है। विग्रस मोटिलिटी कब आती है जैसे फीमेल जेनेटल ट्रैक में जाता है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी मार्क करके रखना ठीक है। मैं एक बार इसे चेकआउट करूंगा 98 को, ये हमारे पास ये गलत है श्योर है, ये हमारे पास सही है ये भी श्योर है, ये भी हमारे पास क्या सही है, तो यहाँ पे तो तीन तीन स्टेटमेंट सही हो गए, इनकरेक्ट क्या हुआ फिर हमारे पास। चलो कोई बात, क्वेश्चन नंबर 99 ये हो गया था, क्वेश्चन नंबर 100 करो एसर्शन रीजन 100, अर्षित चला गया मार खाएगा वो, चलिए करो बस खत्म होने वाला है बस। द लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल द लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिविटी ऑफ प्रेगनेंसी, हालांकि अभी पढ़े नहीं है बट कोई नहीं कर लो। ए ऑप्शन सर 100 का ही मेंस्ट्रुएशन ओनली अगर इफ द रिलीज ऑफ नॉट, हां सही है कल ये सब। क्वेश्चन नंबर 101 और इसके बाद टोटल कितना क्वेश्चन है हमारे पास 102 क्वेश्चन है, 101 कर लो उसके बाद क्वेश्चन खत्म। एसर्शन 101 का देख लो सही, एक बार 100 वाले क्वेश्चन दिख लाना। हाँ मे बी लिखा है इसलिए स्टेटमेंट सही है, सियोरिटी नहीं होती बट मे बी हो भी सकता है ठीक है, अगर सियोरिटी लिख देता तो गलत हो जाता, जरूरी नहीं है कि अगर मेंस्ट्रुएशन स्किप हो गया तो कोई प्रेग्नेंट है, दैट नॉट नेसेसरी, ये स्ट्रेस से इधर उधर हो सकता है और हमारे पास खान पान से इधर उधर हो सकता है और पीसीओडी डिजीज से इधर उधर हो सकता है, इसलिए यहाँ पे जो मे बी वर्ड लिखा है दैट्स व्हाई स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 101 करो चलो, ड्यूरिंग सेक्रेटरी फेज ऑफ द लेवल ऑफ एलएचएन एंड एफएसएच ग्रेजुअली इंक्रीज, सेक्रेटरी फेज बोला है रीजन है द इंक्रीज लेवल ऑफ एसएसएच एफएसएच एंड एलएचएन इज ग्राफ इन फॉलिकल्स टू सेक्रेट प्रोजेस्टेरोन, 101 का डी बहुत ही सही, दोनों गलत, डी ऑप्शन में दिया है ना किसी और में दिया है, हाँ बोथ है इंसर्शन रीजन और फॉल्स ठीक है। और कई बार ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन जनरली देखा जाता है कि ए में दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन बी में क्या होता है, हमारे पास एक सही है दोनों सही है बट रीजन सही नहीं होता है, सी में क्या होता है इंसर्शन सही है रीजन फॉल्स है, डी में क्या, कई बार इसका सिक्वेंस चेंज कर देते हैं, तो जल्दीबाजी में ऐसा भी मत करना पूरा पढ़ ही लेना। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द मेंस्ट्रुअल साइकिल और इसके बाद हम अपने टॉपिक पाएंगे पढ़ाई करना। एसर्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, 102 सर सी होगा इसका, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करता है जल्दी जल्दी बताओ, नहीं सर जनरेट होता है ना कॉर्पस ल्यूटियम के लिए, वेरी गुड, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है रिग्रेस ओवर टाइम, तो सी ऑप्शन होगा इसका, रिग्रेस का मतलब क्या होता है, रिग्रेस का मतलब क्या होता है, चलो ध्यान से करो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले बता रहा हूं, कोई चीटिंग नहीं करेगा, नॉट चोरी किसी का बी आ रहा है, किसी बी फॉर बॉल सर, बी फॉर बॉल हाँ ऐसे बोल दिया करो बालक,
ठीक है चलो हमारे पास बी इज द करेक्ट आंसर, रिग्रेसिस का मतलब कम ही होता है, तो बोथ एक्सप्रेशन एंड रीजन आर ट्रू बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है हमारे पास ये एनसीईआरटी का लाइन है, एकदम एग्जैक्टली लाइन उतार दिया है, कुछ अलग नहीं किया है। अच्छा एक्सप्रेशन रीजन को मैं क्या 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 क्वेश्चन 101 दिखा दो सर। 101 ये तो बहुत डिफिकल्ट सा है। हाँ चलो आज हम लोग आ रहे हैं टॉपिक पे, इसी टॉपिक पे पढ़ेंगे, यहाँ तक पढ़ लिए थे कल, उसके बाद मेनोपॉज देखेंगे, उसके बाद फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, ये आज हम लोग खत्म कर देंगे। हो गया सर। चलो अब आते हैं हम लोग अपने फटाफट पढ़ाई करते हैं। चलो आ जाओ, कल हमने देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल देख लिए थे, मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14 डे ये सब कुछ देख लिए थे। नेक्स्ट हमारे पास रिमेनिंग पार्ट था हमारे पास कि कैसे हमारे पास कॉर्पस लुटियम किसमें होता है, हमारे पास क्या क्या काम करता है। तो कॉर्पस लुटियम सबसे पहले क्या करता है, जैसे ही हमारे पास ग्राफीन फॉलिकल कन्वर्ट होता है कॉर्पस लुटियम में, देखो ग्राफीन फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हुआ था, ग्राफीन फॉलिकल कन्वर्ट हो गया था कॉर्पस लुटियम में, जो अभी हम लोग क्वेश्चन भी किए। कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट होने के बाद LUTEM कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट हो गया, इस कॉर्पस लुटियम क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन क्या सिक्रीट करता है हमारे पास, सिक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ठीक है अब लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट कर दिया, जो कि एसेंशियल है किसके लिए, एसेंशियल फॉर, देखो यहाँ से एसर्शन रीजन क्वेश्चन बन सकते हैं, एसेंशियल फॉर एंडोमेट्रियम लाइनिंग, वेरी गुड, मेंटेनिंग एंडोमेट्रियम लाइनिंग, क्लियर हो गया। इसको मेंटेन करने में कौन काम करता है, एंडोमेट्रियम। अब जैसे ही हमारे पास ये एंडोमेट्रियम यानी कि जो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो ये कंटिन्यू रहता है हमारे पास प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीट होना, बट यहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, मान लो कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और उसके बाद इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, तो धीरे धीरे क्या होता है यहाँ पे ये कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन क्या होने, डाउनफॉल होने लगता है, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन क्या होने लगता है हमारे पास, डाउनफॉल होने लगता है, और आगे चल के हमारे पास नेक्स्ट साइकिल के लिए फीमेल क्या हो जाती है, रेडी हो जाती है फॉर द नेक्स्ट साइकिल। ठीक है अब यहाँ से एक और लाइन निकल के आता है, मान लो कि हमारे पास प्रेगनेंसी होगी, मान लो हमारे पास क्या होगा प्रेगनेंसी होगी, अब यहाँ पे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा, स्टॉप। नेक्स्ट मान लो दूसरा कंडीशन क्या होगा, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में क्या होगा, ऑल मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स, जितनी भी एक्टिविटी होंगी वो सबके सब क्या हो जाएंगे हमारे पास, बंद हो जाएगा, और जब ये बंद हो जाएगा तो मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होगा। अब इसके वजह से अब ये क्या हो गया, बट हमारे पास इन अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉर्पस लुटियम डीजनरेट। दूसरा कहानी क्या होगा, अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस लुटियम क्या हो जाएगा, डीजनरेट। क्यों होगा कि कॉर्पस लुटियम हमारे पास किस क्या चाहिए, प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता रहता है, लेकिन कब सिक्रेट करेगा, जब हमारे पास इम्प्लांटेशन होगा, जब इम्प्लांटेशन ही नहीं हो रहा तो प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करके क्या करेगा अननेसेसरी का, इसी वजह से क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोजेस्टेरोन डिक्लाइन कर जाता है, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है हमारे पास, डिक्लाइन कर जाता है। क्लियर है सभी को, और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन नहीं मिलता है एंडोमेट्रियम बेचारा एकदम रेडी होके बैठा था और ये रेडी होके वापस से सेड अप होने लगता है, वापस से क्या होने लगता है हमारे पास, नेक्स्ट 1 to 5 या 3 to 5 डेज में क्या हो जाता है हमारे पास, ये सेड अप हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि जो डिसइंटीग्रेशन है एंडोमेट्रियम की, ये एक पर्टिकुलर वे में होता है, जैसे कि हमारे पास कितना होता है 1 से 28 डेज में, एक टिपिकल डेज है। अब ये फीमेल्स में अप टू द हमारे पास 40 से 55 ईयर्स तक देखा गया है, एनसीईआरटी में 50 ईयर्स मार्क किया है, एनसीईआरटी में कितना मार्क किया है, 50 ईयर, बहुत जगह हमारे पास 40 से 45 भी, तो हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो कर लें, या फिर कई बार हमारे पास ऑप्शन में 40 से 55 भी रहेगा, अगर ऑप्शन में 50 है देन हमने हमेशा यही मारना है, मजबूरी है, कुछ नहीं कर सकते कि वी हैव टू फॉलो एनसीईआरटी। तो बट इन जनरल टर्म क्या होता है हमारे पास 40 से 55, बट एग्जैक्ट अगर एनसीईआरटी को फॉलो करें तो हमारे पास क्या है, 50 ईयर्स। वैसे ऐसा कभी ऑप्शन में आएगा नहीं कि ए में 50 दे दिया, बी में 45 दे दिया, सी में मान लो 45 से 55 दे दिया, और डी में दे दिया हमारे पास 52 भी दे दिया, तो ऐसा कभी नहीं पूछने वाला। अगर ऐसा पूछ भी दिया तो हमें किसको मारना है, ए को मारना, अगर ऐसा पूछ भी दिया तो हमें किसको मारना है, ए को मारना है। और जैसे ही हमारे पास ये इस टाइम तक हमारे पास मेंस्ट्रुअल स्टॉप हो जाता है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनोपॉज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोल देते हैं। यानी कि हम लोग क्या देखे थे, मेनार्क से मेनोपॉज की कहानी क्या होती है हमारे पास,
मेंस्ट्रुअल साइकिल। मीनार से मेनोपॉज की कहानी क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल ड्यूरेशन या रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ द फीमेल। रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ द फीमेल ह्यूमन बीइंग, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ फीमेल प्राइमेट्स। क्लियर हो गया हमारे पास? इस कहानी को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज या साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन फेज। ठीक है, अब ये साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इंडिकेटर होता है किसका? नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का। किसका इंडिकेटर होता है? नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का। अगर इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में किसी का डेज इधर उधर होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, इस चीज में हम लोग मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पास हार्मोनल डिसबैलेंस है, हमारे बॉडी में कोई ना कोई डिजीज है, हमें उसको टाइम के साथ क्या करना है, ट्रीट कराना है। जैसे एक और कहानी होती है, मान लो हमारे पास कि फीमेल में जनरली जरूरी नहीं है कि सब में 29 डेज में हो, कई बार होता है किसी किसी का फीमेल का 35 भी होता है, किसी का 30 भी होता है। तो इस केस में एक चीज आपको याद रखना है कि जो ओव्यूलेटरी फेज से जो ल्यूटियल फेज होता है, इसका 14 डेज क्या होता है? फिक्स होता है। ल्यूटियल फेज का 14 डेज क्या होता है? फिक्स होता है। जबकि इधर वाला जो फेज होता है हमारे पास, ये कई बार वेरी करता है। इधर वाला फेज क्या करता है हमारे पास? वेरी करता है। ये क्या होता है हमारे पास? फिक्स। ल्यूटियल फेज क्या होता है? फिक्स। जबकि इधर वाला जो फेज होता है हमारे पास, वो वेरी करता है। किसी में मेंसेस 3 दिन तक होता है, किसी में 4, किसी में 6, किसी में 7, तो ये वेरी करता है फीमेल टू फीमेल, बट ये चीज फिक्स होता है। तो अगर कोई पूछ दे, या फिर जैसे फीमेल्स जो मैरिड कपल है या फिर व्हाटएवर, उनको अगर एग्जैक्ट हम उनको एवोल्यूशन डेट जानना है, तो उनको अपने टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना देर, कितने दिन की साइकिल है, उसमें से 14 डे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना बच गया? 1, 2, यानी 21 डेज पे उनका क्या होगा? ओवुलेशन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं चार्ट। जैसे जो फीमेल मतलब दे वांट टू गेट प्रेग्नेंट, उनको हमको क्या बनाना है, वो क्या बना सकते हैं हमारे पास एग्जैक्ट टाइम में होने के लिए, हमारे पास दे फॉलो द चार्ट, दे फॉलो द चार्ट। इससे क्लियर हो जाएगा, हमें उन्हें पता है कि उनका साइकिल कितने दिन का है। तो ये वाला साइकिल क्या है? फिक्स है। बट ये वाला साइकिल क्या होता है? वेरी करता है। बट इन जनरल, मैं किसी डिजीज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वाला साइकिल क्या होता है? फिक्स होता है। और ये क्या होता है हमारे पास? वेरी करता है। चलो आ जाओ, ल्यूटियल फेज वाला। हाँ, ल्यूटियल फेज वाला फिक्स होता है 14 डेज। मैं किसी डिजीज की बात नहीं कर रहा हूँ, एक हेल्दी फीमेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डिजीज केस की बात नहीं कर रहा हूँ। चलो, ये का हमारे पास कुछ बेसिक चीजें थी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट क्या हमारे पास? फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आगे चलें, मेंस्ट्रुअल साइकिल से सारे क्वेश्चन कर लोगे आप, गलत तो नहीं करोगे? बोल दो। यस सर। यस मतलब गलत करोगे। एंड इम्प्लांटेशन, ये कौन दो बालक छोड़ के गए हैं? बहुत मार खाए। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। अब देखो, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन बहुत ही सुंदर सा कहानी है, और इस चीज को हमें समझना है कि कैसे चीजें क्या क्या होती है। कल मैंने बताया था, आप सभी को पता होगा कि हमारे पास ढेर, ये क्या था हमारे पास? अभी तक सेकेंडरी ओसाइट था, सेकेंडरी ओसाइट था। इसके ऊपर हमारे पास क्या पाया जाता था? प्री विटेलाइन स्पेस। ये मैंने बना दिया, प्री विटेलाइन स्पेस को मैं रेड से बना दे रहा हूँ और इनसे बना दे रहा हूँ। इसके बीच में जो गैप है, ये क्या होगा? प्री विटेलाइन स्पेस। और इसके चारों तरफ क्या था हमारे पास? जोना पेलुसिडा। उसके चारों तरफ क्या था हमारे पास? जोना पेलुसिडा। क्यों बता रहा हूँ? अभी काम आएगा। ये हो गया जेपी। अब लास्ट में हमारे पास क्या था? कोरोना रेडिएटा। ये क्या हो गया हमारे पास? कोरोना रेडिएटर। अब अल्टीमेटली हमारे पास क्या आता है? स्पर्म आता है। बेचारा ये मेहनत करते हुए आएगा यहाँ पे लाइक दिस। ये मैंने स्पर्म बना दिया, इसका टेल हो गया, ये हम इसका क्या हो गया? हेड हो गया। ये मैंने स्पर्म बना दिया। अब ऐसे स्पर्म हमारे पास मिलियंस ऑफ आ सकते हैं। अब क्या होता है ड्यूरिंग द क्वाइटस? ड्यूरिंग द क्वाइटस क्या होता है हमारे पास? ड्यूरिंग द क्वाइटस या सेक्सुअल एक्टिविटी। ड्यूरिंग द क्वाइटस एक बायोलॉजिकल टर्म हो गया, और इसी को जनरल टर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? कॉपुलेशन। इसको हम लोग क्या बोलते थे? कॉपुलेशन। जब भी हमारे पास क्वाइटस होता है, उस केस में हमारे पास क्या होता है? पेनिस वेजाइना के अंदर क्या जाता है, और वहां से अल्टीमेटली क्या होता है? इनसेमिनेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? इनसेमिनेशन। ये एक नेचुरल इनसेमिनेशन हो गया। क्या हो गया हमारे पास? नेचुरल इनसेमिनेशन।
अब यहाँ से सीमेन, सीमेन के अंदर क्या पाया जा रहा है स्पर्म, सीमेन के अंदर क्या पाया जा रहा है हमारे पास स्पर्म, तब तक इसके स्पर्म्स। अब देखो ये जो स्पर्म्स होता है ये बहुत ही तेजी के साथ क्या करते हैं, स्विम करते हैं, बहुत ही तेजी के साथ क्या करते हैं, स्विम। मैंने बताया था जितना भी स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है उसका 60% क्या होता है हेल्दी होते हैं, नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं, नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं। इसका 40% क्या होता है हमारे पास, 60% नॉर्मल शेप एंड साइज, और इसी का 40% हमारे पास जिसके पास क्या होता है विग्रस मोटाबिलिटी, मोटाबिलिटी यानी बहुत तेजी के साथ क्या कर सकते हैं वो स्विम कर सकते हैं। अभी स्विम करते हैं बहुत तेजी से और किसको क्रॉस कर जाते हैं, सर्विक्स को। किसको क्रॉस कर जाते हैं हमारे पास, सर्विक्स। किसको क्रॉस कर जाएंगे हमारे पास, सर्विक्स को, जो सर्विक्स के बाद किस में चला जाएगा वो बेचारा, यूट्रस में, और यूट्रस के बाद अल्टीमेटली हमारे पास कहाँ पहुंच जाएगा, एम्पूला में ये पहुंचा। अब उसी तरह ओवम भी कहाँ पे पहुंचता है, ओवम यानी कि अल्टीमेटली ओवम की जगह क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंडरी ओसाइट, यानी ये वाला कहाँ पे पहुंचता है, एम्पूला में। ये भी कहाँ पे पहुंच गया, मान लो मैंने ये एम्पूला बना दिया, थोड़ा कर्व बना दो, ये मैंने क्या बना दिया हमारे पास, एम्पूला में, एम्पूला में मैंने पचा दिया, ये क्या हमारे पास सेकेंडरी ओसाइट। अब यहां से मैंने किसको पहुंचा दिया, स्पर्म को पहुंचा दिया। किसको पहुंचा दिया हमने, स्पर्म को पहुंचा दिया। जब यहाँ पे इन दोनों को पहुंचा दिया अल्टीमेटली ये स्पर्म क्या करेगा, मैंने बताया था स्पर्म में क्या पाया जाता है ऊपर हेड वाले रीजन में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्रोसोम, एक्रोसोम, और इस एक्रोसोम के अंदर क्या पाया जाता है जल्दी बताओ, सर एंजाइम, लाइसोजाइम, लाइसिन, ठीक है ठीक है। स्पर्म लाइसिन क्या पाया जाता है हमारे पास, लाइसोजाइम या स्पर्म लाइसिन पाया जाता है, जो डिग्रेडेट करता है जो लेयर्स है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है किसके, सेकेंडरी ओसाइट के चारों तरफ, कहाँ पे सेकेंडरी ओसाइट के चारों तरफ, ठीक है। अब कहानी ये है कि फर्टिलाइजेशन होने के लिए या इसको पहुंचने के लिए दोनों का एक साथ मिलना होता है एट ए टाइम, दोनों का एक साथ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही क्या होता है रैंडम और बहुत ही क्रूशियल फेज होता है, बहुत ही रैंडम एंड बहुत ही क्या होता है क्रूशियल, तो जरूरी नहीं है। तो यहां से एक लाइन निकल के आता है कि एवरी एवरी क्वाइटस डज नॉट मेक फर्टिलाइजेशन, क्लियर है। जितनी भी एवरी क्वाइटस फर्टिलाइजेशन को नहीं बना सकता, फर्टिलाइजेशन कब होगा जब हमारे पास एक ही टाइम पे कहाँ पे एम्पुलर रीजन पे ओवम भी पहुंची है और उसी टाइम पे हमारे पास स्पर्म भी पहुंचे। अब ऐसा इजी क्यों हो जाता है, ऐसे तो फिर बहुत रेयर ऑफ चांस है, हमें तो नहीं पता है कब जा रहा है, बट ऐसा इसलिए इजी हो जाता है क्योंकि स्पर्म की वायबिलिटी भी क्या होता है अप्रोक्स 72 आवर्स, उसी तरह ओवम की वायबिलिटी कितना होता है अप्रोक्स 3 से 4 डेज। तो ये उतने टाइम तक उस रीजन में रहता है, कौन, ओवम भी और स्पर्म भी इतने टाइम तक सर्वाइव करता है, तो कभी घूमते हुए कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, तो एट दैट टाइम वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अगर इनकी सर्वाइवलिटी पीरियड बहुत कम होती, मान लो कि 10 मिनट या 5 मिनट होती, तो उस केस में जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था क्या होना, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था क्या होना, फर्टिलाइजेशन होना। क्लियर है सभी को यहाँ तक, आगे चलें जल्दी बोलो। यस सर, यस, यानी कि जो एनसीईआरटी, अब यहाँ पे देखो एनसीईआरटी की लाइन क्या निकल के आती है, अब ये एनसीईआरटी की लाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे क्वेश्चन भी आया है। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। कब होता है फर्टिलाइजेशन, तो लिख लो फर्टिलाइजेशन, वो समझाया था मैंने, और एनसीईआरटी के शब्दों में, और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली, देखो कैन ओनली अंडरलाइन कर लो, कैन ओनली अकर इफ द ओवम, अकर इफ द ओवम ये डायरेक्ट स्पीसी है इसलिए ऐसा हो रहा है, इनडायरेक्ट स्पीसी में तो मैंने बता दिया ओवम एंड स्पर्म्स, इसका डायरेक्ट स्पीसी है एनसीईआरटी का, स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली टू द एम्पलरी रीजन, टू द एम्पलरी रीजन, क्लियर है सभी को यहां तक, किसी को कोई डाउट,
अंडरलाइन क्या क्या करना है हमारे पास, एम्पलरी रीजन, साथ साथ जाते हैं बेचारे, और बस ये दो चीज। कब होगा हमारे पास? इसी टाइम हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो जाता है। चलो नेक्स्ट थिंग है हमारे पास, दैट इज फर्टिलाइजेशन के पूरा होल प्रोसेस। चलो कितना टाइम बचा है हमारे पास, थोड़ा सा टाइम। द प्रोसेस, अब यहाँ पे देखो एग्जैक्ट फर्टिलाइजेशन होता क्या है। अब हमारे पास देखो ये जो सेकेंडरी ओसाइट था, सेकेंडरी ओसाइट था, अब अल्टीमेटली जब ये ब्रेक अप करके आ जाता है यहां तक, जैसे ही मेम्ब्रेन तक पहुंचता है, कहां तक? मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट। स्पर्म का हेड जैसे ही यहां पे आता है, अब यहां पे इसका सेकेंड मियोटिक डिवीजन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो गया तो ये ओसाइट कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ओवम में, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओटिड में। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओटिड में। अब यहाँ पे स्पर्म और ओवम एक साथ क्या होते हैं? मैच होते हैं। स्पर्म एंड ओवम क्या होते हैं? एक साथ क्या करते हैं? मिल जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे दो टाइप का एक प्रॉब्लम क्या होता है कि मान लो हमारे पास ढेर सारे स्पर्म थे, ये सब मैंने स्पर्म बना दिया, मिलियंस ऑफ, बहुत ढेर सारे स्पर्म आ गए। अब क्या होता है कि हो सकता है कि एक को दूसरा स्पर्म भी क्या कर दे? फर्टिलाइज कर दे। अब इस फर्टिलाइज ना करे तो इस प्रोसेस को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यानी कि ढेर सारे स्पर्म फर्टिलाइज ना कर सके, यानी कि पॉली एम्ब्रियोनिक, या क्या बोलते हैं इसको टर्म में, नाम वर्ड्स भूल गया मैं, दिमाग से स्किप हो गया। हाँ, पॉलीस्पर्मी, क्या बोलते हैं इसको? पॉलीस्पर्मी। यानी कि पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए हमारे पास दो टाइप का पॉलीस्पर्मी होता है, एक होता है फास्ट और एक होता है स्लो। ध्यान रखना ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, पहले बता रहा हूँ ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट क्वेश्चंस आते हैं। इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, और कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल हम लोग क्योंकि क्वेश्चन नहीं करने वाले, तो सारा चैप्टर हम लोग नेक्स्ट कल इसको खत्म कर लेंगे, और मंडे को आपका टेस्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ टू चैप्टर। कौन कौन सा, ध्यान से समझना, एक है हमारे पास, कौन सा चैप्टर है भूलिए, हाँ एक है हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन, दूसरा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पैटर्न में कई बार बता चुका हूँ, बस 30 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन डायरेक्टली इसी चैप्टर के होंगे, 10 क्वेश्चन इंटरमिक्स होंगे। हाँ बोलो बोलो। केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्वेश्चन आएंगे वो इसी चैप्टर के रिलेटेड आएंगे ना। आवाज बहुत स्लो आ रहा है, केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या बोल रहा हूँ? केमिकल कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन आएंगे वो इसी चैप्टर से रिलेटेड होंगे। हाँ हाँ ऑब्वियस ही बात है, पता नहीं मतलब ऐसा नहीं लगेगा मैंने केमिकल कोऑर्डिनेशन उठा के दे दिया, टेंशन मतलब ठीक है। और ये ध्यान रखो क्वेश्चन आते हैं डीपीपी सॉल्व करेगा वहां पे मिलेगा फर्स्ट पॉलीस्पर्मी क्या होता है, स्लो पॉलीस्पर्मी ब्लॉक क्या होता है, दोनों में फिजिकल चेंजेस हो जाते हैं, किसी में सोडियम पोटेशियम सबका भी काम आएगा, वो सभी चीजों को हम लोग देखेंगे कल की क्लास में। कल का क्लास आपका लास्ट क्लास होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और इसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू करें जल्दी बता दो सर? अगला कौन सा? अगला कौन सा? पक्का? चलो ठीक है, बहुत इजी से क्वेश्चन वो चैप्टर है, उसको हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ देख लेते हैं, वहां से भी क्वेश्चन आता है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है सभी को? यस सर। आज तो हम लोग देखो आधा टाइम क्वेश्चन कराने में, किसी को परेशानी तो नहीं हुआ ना क्वेश्चन कराया कि मैंने क्लास छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं फील हो रहा? नो सर, नो सर। पक्का? सच सच बोलना कि पता चला सर ने क्वेश्चन करा दिया क्लास में? क्या क्या? सच्ची कह रहे हैं? अच्छा विवेक को, अच्छा विवेक को परेशानी है, चलो कोई बात नहीं, कल क्वेश्चन नहीं करेंगे, कल हम लोग सिर्फ थ्योरी थ्योरी करेंगे और एक दो क्वेश्चन करेंगे बस, उसके बाद कल चैप्टर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम लोग शुरू करेंगे ठीक है। सभी को बाय बाय, पढ़ाई करो, खाना खाना खाओ, पियो, खेलो, सब करो। चलो।